ओम शांति। आत्मा बनकर बैठे अपने मस्तक सिंहासन पर। हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, क्योंकि सर्वशक्तिवान की संतान हैं और उसने हमारे सिर पर हाथ रखकर हमें अपनी शक्तियां भी प्रदान कर दी हैं। हम रियलाइज करें, स्वीकार करें, हम इस संसार में बहुत बहुत शक्तिशाली हैं। इस फीलिंग में रहें, मैं सर्व शक्तियों का मालिक हूं, स्वराज्य अधिकारी हूं, इन शक्तियों पर मेरा अधिकार है, चाहे वो सहन शक्ति हो, निर्णय शक्ति हो, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति हो या एकाग्रता की शक्ति हो, इन सब पर हमारा अधिकार है। ये हमारे अंडर हैं, हम इन्हें आदेश दे सकते हैं। इस सत्य को सभी डीपली रियलाइज करें, हम बहुत महान। और फिर इन शक्तियों का प्रयोग करें। हम अपनी इन शक्तियों को कहीं भेज भी सकते हैं, जैसे कोई साकार स्वरूप में हो हमारे अंदर, हम उसे कहें जाओ ये काम करके आओ। किसी में सहन शक्ति नहीं है, हम आदेश दे दे अपनी सहन शक्ति को, जाओ उसको मदद करो, उसकी शक्तियों को बढ़ाओ। कोई मन से बहुत निर्बल है, विल पावर बिल्कुल नहीं है, हम अपनी शक्तियों को आदेश दे दे जाओ उसकी विल पावर को बढ़ाओ। लेकिन ये तभी संभव होगा जब लंबा काल हम मास्टर सर्व शक्तिवान के नशे में रहेंगे। इसका दूसरा अर्थ भी है कि सर्व शक्तियों के हम मास्टर हैं, हम मालिक हैं, वो हमारी हैं। साथ में हम प्रकृति के भी मालिक हैं। बहुत बड़ी चीज है, सारा संसार ये कहता है कि बाबा भगवान प्रकृति का मालिक है, और ये सत्य भी है। लेकिन हम उसकी महान आत्माएं भी प्रकृति के मालिक हैं। हमारा बाप जिसका मालिक, हम भी उसके मालिक हैं। इस सत्य को भी हम उतना ही डीपली स्वीकार कर लें। प्रकृति ने हमें मदद की है, हम उसके गुलाम बन गए थे, वो हमारी मालिक बन गई थी। अब दो युग के लिए बाबा हमें प्रकृति का मालिक बना रहा है, तो प्रकृति की हम सेवा भी करेंगे और यहाँ प्रकृति को अपने अधीन भी करेंगे। और प्रकृति को अधीन करने का पहला तरीका है हम देहभान से न्यारे अशरीरी हो जाए। सेकंड में अशरीरी होने वाली आत्मा मानो इस देह रूपी प्रकृति की मालिक है, अर्थात ये देह रूपी प्रकृति उसको बांध नहीं रही है, अपने अधीन नहीं कर रही है। दूसरा स्वरूप, इस देह रूपी प्रकृति के आकर्षण से हम परे हो जाएं, देह का आकर्षण समाप्त, न अपनी देह का न दूसरों की देह का, ये हमारी प्रकृति पर विजय है। तो हम सभी इस स्वरूप को बढ़ाते चलें। शक्तियों के भी हम मालिक हैं और प्रकृति के भी हम मालिक हैं, दोनों बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। हम जानते हैं ये काम सबसे नहीं होगा, परंतु जो ये महान स्थिति प्राप्त करेंगे वो इस संसार में पूजनीय होंगे और आने वाले समय में वो इस प्रकृति को ऑर्डर भी दे सकेंगे, प्रकृति को शांत भी कर सकेंगे। क्योंकि जब प्रकृति बहुत तूफान लाएगी, जब ऐसा लगेगा कि शायद प्रकृति सब कुछ नष्ट कर डाले, तब कुछ महान योगियों को कुछ समय के लिए उसे शांत भी करना होगा। तो जो प्रकृति के मालिक बन जाएंगे, प्रकृति उन्हें धन धान से भरपूर करेगी। आज सारा दिन हम सभी इस नशे में रहेंगे, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ और इस संपूर्ण प्रकृति का मालिक हूँ। क्योंकि प्रकृति से ही हमें सब कुछ मिलता है, तो प्रकृति के साधनों को प्राप्त करना सहज और स्वतः हो जाएगा।
ये अभ्यास करते हुए हम इस प्रकृति को पवित्र वाइब्रेशंस भी देंगे और उसकी विधि, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, प्रकृति का मालिक हूँ, बाबा से पवित्र किरणें मुझे आ रही हैं और मुझसे चारों ओर फैल रही हैं, प्रकृति में समा रही हैं। प्रकृति की ऐसी सेवा करने से प्रकृति बहुत लंबे काल तक हमारी सेवा करती रहेगी। ओम शांति।